गुड आफ्टरनून संजीव जी, कैसे हैं आप? काफी समय के बाद आपसे बात कर रही हूँ। बाजार पर आपका नजरिया क्या है? पिछले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में बाजार ने, हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ, थैंक यू मानसी जी, आपको भी मैंने मिस किया और आज आपको हंसते देख के बहुत मजा आ रहा है क्योंकि शेयर बाजार ने रुख बदल दिया है। दो मंदी बिल्कुल। में बैठे थे, अब तेजी में आ गए और वो मार्केट की दस्तूर है। आज का नॉट स्टैंडिंग के आप इतना रन अप कर चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट द रियल मनी इज इन द मिड कैप। मिड कैप इंडेक्स हैज बॉटम्ड आउट फॉर दिस ईयर, इस कारण से मिड कैप में ही हमें रुझान रखना है लेने का। और सुबह भी आपको कॉल दी थी, भारत फोर्ज, टाटा केमिकल, ऑल ऑफ, तो मुझे मिड कैप पे बहुत बुलिश हूं और आज भी मेरे दो तीन पिक्स हैं, सारे मिड कैप में से हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बताएं। तो देखिए, मैं अभी 8 हफ्ते से हर सिटी में जा रहा हूं, उसमें से 3 एयरपोर्ट्स आप मानेंगे नहीं अडानी के थे, अहमदाबाद, लखनऊ और एक और मैं भूल रहा हूं। तो अडानी एंटरप्राइज इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। आज आपने अलाउ कर दिया है कोल टू बी इंपोर्टेड। अडानी ओन्स मैक्सिमम स्टेक इन सम ऑफ द कोल माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। साथ में सम ऑफ पार्ट्स में द बिजनेस इज ऑल द बिजनेसेस आर इन मोनोपोलीज। तो 2180-85 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2135। 2300 से 2350 का टारगेट बहुत जल्दी आएगा अडानी एंटरप्राइज। दूसरा बाय अपोलो टायर, लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ यू नो टायर इंपोर्ट्स नॉट कमिंग फ्रॉम चाइना, एंड अपोलो टायर इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एज सीवी साइकिल रीओपन। 218 रुपए में लीजिए, 213 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। और तीसरा भी होगा गोदरेज कंज्यूमर, इनका जो हेयर डाई का बिजनेस है और बाकी बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ है इंडोनेशिया, और अब चाइना में स्टॉपेज की वजह से दे आर एक्सपेंडिंग इन अदर एशियन कंट्रीज ऑल्सो। 755 का स्टॉप लॉस, 775 में लीजिए, 850 का टारगेट। राइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। बिल्कुल, अदानी एंटरप्राइज पे तो एक ट्रिगर ये भी है कि शायद वो निफ्टी में शामिल हो सकता है, उसके चलते भी एक मूव कैचअप किया जा सकता है यहाँ पर। और आपकी सारी पिक्स हमें याद भी रहती है। इनफैक्ट मैं जीएमआर इंफ्रा को भी देख रही थी, मुझे लगा जब आपने घूमने फिरने और पोर्ट्स एयरपोर्ट्स की बात की तो आई थॉट आप जीएमआर इंफ्रा की बात करेंगे। पर एक भी अब आपका यहाँ समझना चाहेंगे कि आईटी पर क्या आप व्यू बना रहे हैं। आप बहुत बुलिश थे रिजल्ट्स पर, नंबर्स आए भी, लेकिन अब तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी आईटी को आप देखें तो कितना अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जो इनकी फॉरवर्ड पीई थी, करंट पीई जो है उससे कितनी अट्रैक्टिव हो चुकी है, तो हाई पीई लार्ज कैप स्पेशली अब काफी ज्यादा रीजनेबल हो भी गए हैं। व्हाट इज योर व्यू? 100% यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इफ नैस्डैक इज गोइंग टू रैली अनदर 10% फ्रॉम ओवरसोल्ड टेरिटरी, आईटी विल डू एक्सट्रीमली वेल। यू नो, ये एक फॉल ऑन इफेक्ट होता है। जब जनवरी 2022 में सारे एफआईज ने अपग्रेड किया तो आईटी को, अब जब 30% घट गया तो वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। सो देर इज नो यू नो लॉजिक इन दिस। आई थिंक आईटी आउटसोर्सिंग इज गोइंग टू रिमेन। दीज आर कैश रिच कंपनीज और एट्रिशन ऑफ वेज एट्रिशन इज अ वन क्वार्टर इफेक्ट। मैं अभी भी सोचता हूँ एचसीएल, टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट आर नो ब्रेनर, यू मस्ट बाय देम इफ यू वांट टू मेक मनी। ऑलराइट, एक और वेरी क्विक क्वेश्चन संजीव जी, एचडीएफसी स्टॉक्स को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एफआईज ने इतनी ज्यादा सेलिंग की, एफआईज और एफपीआईज ने अब तो और मेजरली उन्हीं स्टॉक्स में की जो वो ओन करते हैं, लेकिन अब तो एचडीएफसी सेलिंग के बाद एचडीएफसी पूरा पैक जिस तरह से वाइब्रेंट दिख रहा है, आप बुलिश हैं एचडीएफसी पैक पर? अब इन लेवल्स पर भी खरीदारी करने के लिए एवरेजिंग कर जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको शिफ्ट करना चाहिए इन ऑल दी एचडीएफसीज, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी द पेरेंट मॉर्गेज एंड एचडीएफसी बैंक, तीनों में आप शिफ्ट कीजिए, यू विल ओनली मेक मनी। बिल्कुल संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया भी हमें बताने के लिए। इस बीच एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होती हुई